जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये दिखाया था मैंने, चश्मा लगा लू नहीं तो स्वैग नहीं आएगा। तो यहाँ पर चश्मा लगाते हैं, लाइट वगैरह सब ऑन करता है। हाँ आ जाओ ना, आ जाओ नहीं आ जाओ। तो यहाँ पर ये मशीनें और मेरी ट्रेडमिल थी जो हर देसी घर की तरह 3 दिन इस्तेमाल हो गया, उसके बाद पड़ी हुई है। तो पड़ी हुई मतलब मैं वर्कआउट करूँगा बट इन्हें मैं इधर साइड कर दूंगा। आओ अंदर आ जाओ अंदर। ये जो हिस्सा है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने ये वॉलपेपर मैंने खुद लगाया है, देख रहे हो। अब यहाँ पर एकॉस्टिक फोम लगा हुआ है, थोड़ा दूर रहो ताकि लोगों को पता चल सके कि कितना बड़ा मतलब ये हॉल है। गर्मी है एक्चुअली, यहाँ पर एसी भी लगवाना है मुझे, यहाँ पर एसी लगेगा। अभी यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज लगेगा और मैंने कुछ लाइट्स खरीद लिया। आप रुको मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने लाइट्स खरीदे, छतरी वाली फैंसी लाइट्स है। तो ये मैंने कुछ दो खरीदी मैंने, इन कंटिन्यूस डिजिटल की वीडियो लाइट्स हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव लाइट्स हैं यहाँ। सो ये मैंने नए स्टूडियो में कुछ खरीदी हैं लाइट्स, फैंसी लाइट्स। नॉर्मल जो मेरे स्टूडियोज में मैंने फैंसी लाइट यूज नहीं करता। तो मेरा ज़्यादातर जो वक्त है आजकल वीडियो बनाने के बाद वो मेरा यही बीतता है, ये वॉलपेपर लगाने में, फिर अभी सोफा डेकोरेशंस, लाइट्स, मोर लाइट्स एंड कैमरा स्टैंड्स और डेस्क, नए कंप्यूटर्स और पता नहीं क्या क्या खरीदने वाला हूँ। अच्छा बहुत होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज डिलीवर करेंगे। मैं बड़ा टी शर्ट इसलिए ला रहा हूँ, बड़ा हवा आ रही ठंडी ठंडी। मेरे को बोलते हैं, सब बोलते हैं कि अरे भाई या अरे बेटा या अकेले कर रहा, सब वर्कर्स को बुला लिए, एक्सपर्ट्स को बुला रहे। तो बुरा पता नहीं है, इस घर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट तो मैं ही हूँ। तो ये सारे काम मैंने किया। हालांकि इधर एक चीज़ और दिखा रहा, जब नॉट सो यू नो लोग करते हैं कुछ वो पर देख सकते हो, ये लोग पाई बदल स्थिति, ये क्या निकला हुआ देखो। अब ये टेढ़ा है तो वॉलपेपर लगाए थे कैसे करेंगे, तो काट के तिरछा निकाला तो लंबा करके इसको छुपाना पड़ेगा। और मुझे पता कि प्रिंट कैसा लग रहा है, लंबी लंबी झाड़ियाँ कैसी लग रही है आपको। इसके बाद भी बहुत और एलिमेंट्स आएंगे तभी जब निकल के आएगा। तो फिलहाल यही अपडेट है और मैं मिस कर रहा हूँ अपनी वर्कआउट मशीन को, लेकिन कुछ तो मजा आएगा। तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर निकलते हैं और आ जाओ आप आ जाओ। तो ये पूरा दिखा के चक्कर यहाँ आ जाओ, थोड़ा बैठते हैं। खर्चा कितना आप लोग बताते हैं, सुबह यहाँ पर ये चीज ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं अपने घर। तो क्या यार खर्चे के नाम पर क्या है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है। तो मैंने कुछ सोचा है, ये जो सोफ़ा है ना, ये पुश्तैनी सोफ़ा है, तो मैंने कहा वो सोफ़ा है, ये थोड़ा चीज सा है, ये मैं लाया था ना रखने के लिए, तो एक्चुअली ये यूज ही नहीं हुआ। तो ये जो सोफा यूज ही नहीं हुआ, ये अमेंडमेंट कर दिया गया। मैंने बोला यार वो नहीं होने ना, पुरानी चीज है जैसे कि जमा करता हूँ, सोचा इसको बता दूंगा। तो आप लोग सजेशन दो मतलब कि सेटअप में क्या क्या करना चाहिए और कहाँ का टूट चाहते हो। ये देखना क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इट्स जस्ट अ प्लेन बाथरूम। ये बहुत ठंडी हो चुकी है यहाँ पर और लोगों की गर्मी नहीं है ये। नहीं मैं काले जादू नहीं करता हूँ, ये मेरा डॉग है ना सिम्बा, जर्मन शेफर्ड है, उसको इस तरह के खिलौने मतलब ये था तो अच्छा पर उसने शिकार कर दिया इसका, तो इसका सब बाहर आ चुका है और इसको यहाँ रख देते। इसने बहुत अच्छे दिन नहीं दिखे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी चीजें देखने वाले हो मेरे चैनल पर, और ऐसी अपडेट मैं देता रहूंगा, डेली व्लॉग्स फिर से शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। तो जाते जाते मैंने सोचा ये जिसका खिलौना है उनको भी बुला लिया जाए। सिम्बा 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 बहुत भयानक डॉगी, मुझे रेडी रहना पड़ेगा।
वो अरे तूफान है बढ़ता इस कमी अरे आ गया सुपर ये तो ये मेरा जर्मन शेफर्ड है ये इतना चुनचुना डॉग है मतलब ये दो मिनट शांत नहीं रहता आपने देखा होगा जब ये छोटा बता रहे छोटा छोटा तो ये बिल्कुल शांत नहीं रहता सुनो ये बिल्कुल शांत नहीं रहता ये बिल्कुल शांत नहीं रहता मतलब इसको आप भी नहीं बना सकते आप इतना एक्टिव है कभी कभी देखते ना इसी को देख के मेरे को वीडियो बनाने की एनर्जी आती है और मैं एक काटा है इसको बहुत पसंद है मेरे साथ खेलना ये ऐसे ही करता रहेगा ये देता नहीं है इसको एक रैबी बोलता है देखो नर्सी चलो ठीक है अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय